एक दिन मोटू बाजार से कुछ सामान खरीद कर अपने घर लौट रही थी। तभी मोटू का नजर एक छोटी बच्ची की ओर पड़ा। पिताजी रुके ना पिताजी। छोटी सी बच्ची मोटू को पिताजी बुलाने के बाद रोने लगी और एक अनजान लड़की के मुंह से मोटू पिताजी सुनकर मोटू रुक जाता है और कहता है, कौन हो तुम बेटी, मेरे तो कोई औलाद ही नहीं है, तुम मुझे पिताजी क्यों बुला रही हो। इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, कुछ दिन पहले एक्सीडेंट में मेरा मम्मी पापा गुजर गई, मेरे पिताजी भी बिल्कुल आप ही की तरह दिखने में थे, अभी रहने के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, दो दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है, क्या आप मुझे आपके साथ ले चलोगी। मेरे साथ? मगर मैं तो खुद गरीब हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है, मैं तुम्हें क्या खिलाऊंगी बेटी। आपके पास जो है वही देना मुझे, मुझे बस एक परिवार चाहिए, माँ और पिताजी की ममता भरी प्यार चाहिए, मुझे ले चलिए ना पिताजी। लड़की की बात सुनकर मोटू मना नहीं कर पाई। मोटू को ऐसा लगा जैसे कि वो अपनी खुद की बेटी से बात कर रही है। मोटू इस लड़की को छोड़कर घर नहीं आ पाई। मोटू बहुत ही दयालु इंसान थे, वो इस लड़की को अपने साथ ही घर आने लगती है। इधर मोटू की पत्नी कमला माता रानी के आगे बैठकर अपनी मन की बात बोल रही थी। इन्हें देखो कितनी साल हुई शादी की, अभी तक एक औलाद भी जन्म नहीं दे पाई। अरे औलाद जन्म देकर ये गरीब खिलाएगी क्या, खुद का पेट ही भर नहीं पा रहा है और अपनी औलाद को क्या खिलाएगी। कमला की कोई भी औलाद ना होने के कारण लोगों की मुंह से कई सारी बात सुननी पड़ती है। लोगों की बात सुनकर कमला बहुत ही रोती थी। अरे औलाद जन्म देकर ये गरीब खिलाएगी क्या। हे माता रानी, हम जैसी गरीब की और कितना परीक्षा लेगी, अब तक तूने हमें एक औलाद का सुख नहीं दिया, लोगों की मुँह से और कितनी भला बुरी बात सुनाएगी, क्या तू हमें यह गरीब होने की सजा दे रहा है। कमला अपनी मन की बात बोलकर माता रानी के आगे रोने लगा। तभी मोटू उस बच्चे को लेकर घर पहुंच जाता है और कमला को बुलाने लगता है। अरे ओ कमला, देखो तो घर पर आज कौन आया है मेरे साथ। मोटू की बुलाने के बाद जब कमला उस छोटी बच्ची के सामने आती है, वो छोटी बच्ची कमला को देखकर ही माँ करके बुलाया। माँ, आज से तुम ही मेरी माँ हो। कमला छोटी सी बच्ची के मुंह से माडक सुनकर आंखों से खुशी के आंसू छोड़ दिया। आपने सुना जी, इस छोटी सी प्यारी बच्ची ने मुझे माँ बोलकर बुलाया, आपने सुना। कमला तुमने बिल्कुल सही सुना हो, आज से ये हमारी बेटी है। और इस बच्चे के बारे में कमला को मोटू सब कुछ खुलकर बताती है। सब कुछ सुनकर और इस लड़की को देखकर कमला बहुत ही खुश होता है। चलो जी, हमारा तो कोई बच्चा ही नहीं है, आज से यही हमारी बेटी है, हम इसे बहुत ही प्यार से रखेंगे। कमला उसे गोद में बिठाकर बहुत ही लाड करती है और अपने हाथों से उसे प्यार से खाना खिलाती है। इस छोटी सी बच्ची घर पर आने के बाद मोटू की बिजनेस में धीरे धीरे और ज्यादा तरक्की होने लगा और मोटू कमला अपनी बेटी को लेकर खुशी खुशी से अपना जीवन बिताने लगी।